राज्यपाल के अभिभाषण को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल की संज्ञा दी है। राज्यपाल के अभिभाषण पे उन्होंने कहा कि कोई सरकार की अचीवमेंट नहीं बताई गई। हरियाणा के नए विधानसभा को पर्यावरण मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिलने पर हुड्डा ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर चंडीगढ़ में बनाना है तो पहले ही चंडीगढ़ के अंदर 40% हरियाणा का हिस्सा है, इसी विधानसभा को एक्सटेंड करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हाई कोर्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं तो विधानसभा को एक्सटेंड क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारे तीन मुद्दे हैं, पहला पानी है, दूसरा हिंदी स्पीकिंग एरिया है और तीसरा मुद्दा है राजधानी को लेकर। पहले इन सब मुद्दों पर फैसला होना चाहिए। देखिए, मैं सुबह भी कह चुका ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है, डायरेक्शनलेस है, कोई दिशा नहीं दर्शाता, कोई अचीवमेंट नहीं बताई और आगे का फ्यूचर कोई वो नहीं दिखाया। जो आज हरियाणा जिस प्रकार से है, किसान मजबूर हो रहा है, खाद नहीं मिल रहा, MSP नहीं मिल रही, ये सब इन्होंने ये बात रखी है ना, इस वास्ते कोई इसमें निरस जो है अभिभाषण है। देखिए, मैंने उस समय भी कहा था कि अगर ये कहते हुए चंडीगढ़ में बनाना है तो चंडीगढ़ में तो हरियाणा का हिस्सा भी है 40%, किस नाम की 12 एकड़ जमीन दे रहे हो आप, इसी सदन को आप एक्सटेंड करो। जब हाई कोर्ट के कमरे बढ़ सकते हैं तो इसमें एक विधानसभा क्यों नहीं बन सकता, क्यों छोड़ रहे हो? या ये क्योंकि हमारे तीन मुद्दे हैं, पहला पानी है, दूसरा टेरिटरी है जो हिंदी स्पीकिंग एरिया है पंजाब के साथ, तीसरा राजधानी है। पहले दो का फैसला करो। ये फैसला करने का मतलब ये है, दो वो मुद्दे छोड़ दिए।